तो देखें यहाँ से हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे इसको, और ये देखें सेलेक्ट हो गया इसका वाइट शर्ट का एरिया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, इसकी ब्लैक हिस्से को हमने नहीं सेलेक्ट किया। अब यहाँ से जाएंगे, क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ से लेंगे कौन सा, सॉलिड कलर। सॉलिड कलर लेके अब जो कलर आप देना चाह रहे हैं, सपोज ग्रीन करना चाह रहे हैं इसको, तो ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको ओके करेंगे, ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। अब क्या करना है, ये इसकी क्लियर बन गई, और ये इसके साथ वो आ गया मास्क। क्लिक करना है यहाँ पे, क्लिक करना है यहाँ पे, ये जो ऑप्शन है ब्लेंड मोड, और यहां से लेना है एक ब्लेंड मोड, कौन सा, मल्टीप्लाई, 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 वाह सही है। अब उसके बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पे, अब जैसा कलर मोड आप चाहेंगे इसके ऊपर डालते रहें, वो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई होता रहेगा। जैसे कि ये कलर हो गया, ये कलर हो गया, ये कलर हो गया, ये कलर हो गया, लाइट कलर हो गया, येलो कलर हो गया। तो इस तरह हर व्हाइट कलर को आप किसी भी कलर में टर्न कर सकते हैं। अब सपोज टू बी यहाँ पर आपने इसको ये कलर दिया, या ये वाला कलर दिया, ये सेट रख रहा है, लेकिन या फिर हम इसका ये वाला कलर देते हैं, या इसी का ग्रीन वर्जन देते हैं, और इसका थोड़ा डार्क वर्जन देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी साइड्स जो है इसकी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है मास्क। अब ये मास्क क्या करेगा इसको देखना है, आपने इस मास्क पे क्लिक करना है। इस पे कुछ एरिया व्हाइट है और कुछ एरिया ब्लैक है, तो मैंने आपको सिखाया है व्हाइट फॉर रिवील, ब्लैक फॉर हाइड। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे मास्क के ऊपर, मास्क पे क्लिक करना है, और यहां से इसको जूम करना है, जो इसके एरियाज हैं जो डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, इसे ज्यादा जूम कर लें। उसके बाद यहां से लेना है आपने ब्रश, क्या लेना है, ब्रश। यहाँ पे एक व्हाइट कलर है, और कौन सा कलर है, व्हाइट फॉर रिवील, ब्लैक फॉर हाइड। तो व्हाइट कलर को हम इसके उस एरिया पर अप्लाई करेंगे। ब्रश आप यहां से ले लें, आई थिंक ये वाला सेट रहेगा, सॉफ्ट वाला, ठीक है। ये देखिए ठीक है। अब सिमिलरली ये देखिए ये वाले एरियाज भी रहेंगे, और ये वाले एरियाज से ओके। अब देखिए एक साइड को मैंने सेट कर दिया है तो काफी बेहतर हो गई, और दूसरी साइड में अभी भी वो खला बाकी है, समझ रहे बात। अच्छा, अब इसी तरीके से जैसे मैंने इन एरियाज को थोड़ा सा डार्क कर लिया, डार्क क्या हुआ, वैसे उसके ऊपर से वो मास्क हट गया तो वो ग्रीन कलर सामने आ गया। अब ये एक्स्ट्रा एरियाज के अंदर आ गया है, तो इसको हमें दोबारा से नॉर्मल करना है, तो क्या करेंगे, इसी पे क्लिक करके अब व्हाइट जगह पे कौन सा कलर ले लेंगे, ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक फॉर हाइट। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से फॉन्ट इस ब्रश साइज बढ़ाएंगे, और यहां से उस कलर इफेक्ट को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहां पे देखिए जब इस पे से कलर इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो ये आपका पिक्चर का नॉर्मल एरिया आपके सामने जाहिर होने लग जाएगा। ये देखिए सेट है। तो इस तरीके से आप अपने पिक्चर के ऊपर अपनी कोई भी फोटो लें व्हाइट कलर में, और उस पर कोई भी कलर देने के बाद उसका ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई करें, इसकी कुछ सेटिंग करें, और फिर जो शर्ट आपको अपने टी शर्ट पे लगानी है, कलर लगाना है, लगा दें, आपका कपड़े उसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर ये व्हाइट रूल के लिए है।